आपको इस ग्रेड पे कितने से काम कर रहे हैं? ये 6 साल हो गए। 6 साल हो गए तो भाई को बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे। जो तो गाइस यहाँ पे एक एक्सेवेटर खड़ा था, तो हम जो एक्सेवेटर चलाने जो ड्राइवर हैं तो उनसे हमें कितनी बड़ी एक्सेवेटर ही है। हे गाइस गुड इवनिंग, आई एम हियर। सो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे पे जो मिट्टी यहाँ पे पड़ रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पूरा व्यू चारों तरफ से। सो गाइस आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, तो आज थोड़ी सर्दी हो गई तो तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। तो गाइस फिर भी मैं आपको अपडेट दूंगा हाईवे की। मैं आपको सामने से यहाँ दिखा दूँ तो जो मिट्टी है वो ट्रक यहाँ पे लोड करके ला रहा और यहाँ पे अनलोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ट्रक से मिट्टी यहाँ पे लौटी जा चुकी है, ये पूरे ढेर के ढेर लगे हुए हैं। सो गाइस इन दोनों ढेर को यहाँ पे फैलाने के लिए, इन सारे ढेर को फैलाने के लिए यहाँ पे तो ये एक बड़ा एक्सेवेटर है और आप सामने देख सकते हैं ग्रेडर। सो गाइस ये ढेरों को फैलाता है और जो ग्रेडर है वो इस पर फिनिशिंग मारता है। सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर ज़्यादा यहाँ पे ढेर लग जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे मिट्टी को फैलाएंगे। सो गाइस पहले जो एक्सेवेटर चलता है तो मिट्टी को फैला देता है, फिर जो ग्रेडर है ऊपर से उसकी फिनिशिंग करता है। सो गाइस मैं आपको पास से दिखा दूँ ये बिग मशीन कितनी बड़ी एक्सेवेटर है ये। तो गाइस यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा था और इसी के पास में यहाँ पे मिट्टी पड़ रही थी, जो एक्सेवेटर वाले हैं मिट्टी को फैला रहे हैं और जो ग्रेडर है यहाँ पे वो फिनिशिंग मार रहा है। सो गाइस दोनों ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो गाइस यहाँ पे एक एक्सेवेटर खड़ा था, तो हम जो एक्सेवेटर चलाने जो ड्राइवर हैं तो उनसे हम मिल चुके हैं। तो भाई आप कितने दिन से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? सर 5 दिन। 5 दिन हो गया? हाँ जी 5 दिन हो गया। तो ग्रेडर आपने कब सीखा चलाना? अभी सीखा नहीं है, सीख रहे हैं इस बार। Amazing! तो अभी क्या काम चल रहा है यहाँ पे? सर मिट्टी क्षार हो रही है, मतलब मिट्टी, हाँ यहाँ पड़ भी रही है मिट्टी डंपरों से और फिर प्लेन भी हो रही है। गाइस एक चीज़ और मैं यहाँ पूछ लूँ, तो भैया आपको सैलरी कितनी मिलती है? देखो जब सीख, मतलब यहाँ अपनी जब चलाओगे सीखोगे तो अगर सीखने के बाद यहीं पे चलाओगे तो 15,000 सैलरी मिल सकती है, 15,000 तक मिल सकती है। मतलब अगर पूरा सीखने के बाद में कहीं बाहर चलाओगे तो 20 की है, 25 की है, 30 की है। वेटर जो भी चलाते हैं उनकी सैलरी मतलब सही होती है? हाँ सही होटल मिला के, है ना। तो आपको छुट्टी मिलती है? हाँ छुट्टी मिलती है, संडे को तो छुट्टी होती होती है। तो आज संडे फिर भी आप काम कर रहे हो? नहीं सर ऐसा नहीं है, देखो कंपनी में छुट्टी मिलती है, यहाँ कोई वो नहीं मिलती। तो मतलब कितना टाइम हो गया चलाते हुए एक्सेवेटर? काफ़ी दिन हो गए, मतलब 1 महीना हो गया होगा। हाँ हाँ। तो गाइस एक्सेवेटर के बारे में हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो अब तो गाइस हम मिल चुके हैं यहाँ पे जो ग्रेडर ऑपरेट करते हैं तो उनसे मिल चुके हैं। तो आप बताइए आप इस ग्रेडर पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये 6 साल हो गए। 6 साल हो गए तो भाई को बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे। जो अभी वो दूसरे जो हम बात कर रहे थे तो अभी वो 3-4 महीने से चला रहे हैं यहाँ पे, तो इनको 6 साल हो गए। 6 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो आप कुछ बता सकते हैं ग्रेडर के बारे में? यस। अच्छा ये ब्लेड लगा इसका क्या काम होता है? इसका डंपिंग तोड़ने का काम होता है, बैड बनाने, फिनिशिंग मारता है, फिनिशिंग भी मारता है। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, जो आगे यहाँ पे ये लगा हुआ है देखिए सर, जो आगे तो इसका क्या काम होता है? इसका जैसे बम्पिंग आ जाती है बैड में, बम्पिंग आ जाती है, मतलब मिट्टी उड़ जाती है, नहीं जैसे गाड़ी फाड़ी फंसती है बम्पिंग आ जाती है, उसको खोद के 2 दिन सूख लेने दो, 1 दिन सूख लेने दो, उसके बाद इसको खोद के फिर उसके बाद ब्लेड से दबाने पड़ता है, ये बम्पिंग के काम। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये मशीन है। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी इस मशीन की? 1.25 करोड़। देखो ये ग्रेटर के हिसाब से रहता है जो सिस्टम, तो बस मेरे लिए इसका यही काम होता है मिट्टी को फैलाना। हाँ, मिट्टी का फैलाना और तेरे काम दोबारा खोद भी है ना। हाँ। इसके जरिए। तो आप यहाँ मतलब इस कंपनी में कितने साल से जॉब कर रहे हैं? इस कंपनी में तो 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए। हाँ। तो कितनी सैलरी मिल रही है आपको अभी? तो 25,000 दे रहे हैं। 25,000 दे रहे हैं, तो मतलब जो भी ऑपरेटर है तो उन्हें मतलब सही सैलरी मिल रही है, और जो वर्कर है तो 15 महीने ज़्यादा तो मैं देखा है, मोस्टली यहाँ पे जो रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड तो 10-12 हज़ार मिल। हाँ 10,000।
तो गाइस अभी एक ट्रक आ रहा है बैक होते हुए, और यहाँ पे जो बीच में जगह खाली है तो यहाँ पे मिट्टी डालेगा अभी। सो गाइस इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है, ये लोग हैं तो ये अभी डंपिंग करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये जगह बताते हैं कहाँ कहाँ पे मिट्टी पड़नी है। अभी ये हो रहा है अनलोड, तो भाई इनने कर दिया ओपन, तो अभी ये प्रेशर लगाएंगे और ये ऊपर उठेगा अभी। तो गाइस थोड़ा आगे बढ़ के अब ये ऊपर कर देंगे। तो भाई पूरा यहाँ पे ट्रक खाली होते हुए, मिट्टी पूरी अनलोड होते हुए, और आप देख सकते हैं एक और सामने ट्रक यहाँ पे आता हुआ और वो भी यहाँ पे अनलोड होगा। सो गाइस पहले मैंने वीडियो में आपको बता दिया होगा कि मिट्टी कहाँ से आती है, तो गाइस मिट्टी कहाँ से आती है उसका ही मैंने वीडियो बना दिया, तो नीचे लिंक है जाके देखो वहाँ से। तो गाइस एक और यहाँ पे ट्रक अनलोड होते हुए, तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मिट्टी लेकर आया है। तो गाइस अभी मिट्टी कुछ ज़्यादा होगी यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आगे करके ये ट्रक को अनलोड कर देंगे। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।